इंसानों में टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह मवेशियों का भी फर्टिलाइजेशन करने की तकनीक को इजाद कर लिया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इससे पशुओं में दुग्ध उत्पादन का बढ़ावा होगा। आखिर क्या है ये तकनीक, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। गायों के नस्ल सुधार की दिशा में एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जो आने वाले समय में राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक अहम हिस्सा बनेगा। देश में गुजरात के गिर, पंजाब हरियाणा के साहिवाल, राजस्थान के थारपारकर और आंध्र प्रदेश के अंगोल नस्ल की गायों को अब सभी सामान्य गायों में बदलाव किया जा सकेगा। इसके लिए जेके ट्रस्ट समूह ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के गोपालपुर में डॉक्टर विजयपत सिंघानिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन लाइव स्टॉक के नाम से रिसर्च सेंटर की स्थापना की है, जहां इस नई तकनीक की दिशा में अब तक काम शुरू कर दिया गया है। यहां IVF तकनीक है जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस तकनीक के जरिए अब तक अनुवांशिक गुणवत्ता के 14 गर्भ स्थापित किए गए हैं। ब्राजील जैसे देश में, कोलंबिया जैसे देश में इसकी बहुत जरूरत है, तो उनको यहाँ से अगर हम लोग एम्ब्रियोज बना के बेचेंगे, वो एम्ब्रियो इतना छोटा है कि आपको आंख से दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन उसको फ्रीज करके -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करके उसको हम दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया। इस तकनीक के साथ यहाँ गाय के शरीर से ओसाइड निकाला जाता है, इसी ओसाइड से भ्रूण तैयार कर उसे सुरक्षित रख लिया जाता है, फिर एक निश्चित समय पर इसे गाय के गर्भ में स्थापित किया जाता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी हमें ओसाइड निकालने वाले डॉक्टर ने दी। ये देखिए, ये ओवरी है जिसको सुपर ओवुलेट किया गया है। ये आपको जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये अंगूर के गुच्छे जैसे नजर आ रहे हैं, ये फॉलिकल्स हैं। अच्छा, इनको हम नीडल के माध्यम से उसको पंचर करके उसमें से जो फ्रूट है उसको निकालते हैं। शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप शुभ करना मत छोड़िए।